नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एग्रीताल में। 500 प्लस वन लाइनर ऑफ फार्म पावर का यह पार्ट 4 है। इसके पहले पार्ट 1, 2, 3 को बता दिया गया है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 को न देखा हो तो उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देख लें। तो शुरू करते हैं 500 प्लस वन लाइनर ऑफ फार्म पावर का पार्ट 4। द टेम्परेचर एट विच फ्यूल बिगिंस टू वेपराइज इज स्मोक पॉइंट। वो टेम्परेचर जहाँ पे फ्यूल वेपराइज होना शुरू हो जाता है उसे स्मोक पॉइंट कहते हैं। 151 है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल एट 15 डिग्री सेल्सियस इज 0.73। पेट्रोल का विशिष्ट गुरुत्व 0.73 होता है। यह 0.73 15 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट 152। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पावरिंग इज 0.82। पावरिंग का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.82 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब विशिष्ट गुरुत्व या विशिष्ट घनत्व। अगला है 153। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हाई स्पीड डीजल इज 0.87। हाई स्पीड डीजल का विशिष्ट गुरुत्व 0.87 होता है। नेक्स्ट 154। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइट डीजल ऑयल इज 0.92। लाइट डीजल ऑयल का विशिष्ट गुरुत्व 0.92 होता है। नेक्स्ट 155। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाई स्पीड डीजल इज 10,550 किलो कैलोरी पर केजी। हाई स्पीड डीजल का विशिष्ट गुरुत्व 10,550 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। अगला 156। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल इज 8,150 किलो कैलोरी पर लीटर। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू 8,150 किलो कैलोरी प्रति लीटर होता है। नेक्स्ट 157। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डीजल ऑयल इज 9,400 किलो कैलोरी पर लीटर। डीजल ऑयल का ऊष्माजनक वैल्यू 9,400 किलो कैलोरी प्रति लीटर होता है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ऊष्माजनक या तापजनक मूल्य। नेक्स्ट 158। द एंटी नॉक क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज डिटरमाइंड बाई ऑक्टेन नंबर। पेट्रोल की एंटी नॉक क्वालिटी ऑक्टेन नंबर के द्वारा निर्धारित की जाती है। यह UPSC में पूछा हुआ है। नेक्स्ट 159। द एंटी नॉक क्वालिटी ऑफ डीजल इज डिटरमाइंड बाई सीटेन नंबर। डीजल की एंटी नॉक क्वालिटी सीटेन नंबर से निर्धारित की जाती है। द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज डिनोटेड बाई SAE नंबर। ऑयल की श्यानता SAE नंबर से डिनोट की जाती है। SAE का मतलब सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। नेक्स्ट 161। द टेम्परेचर ऑफ क्लाउड पॉइंट इज 5 डिग्री अबव द पोर पॉइंट। क्लाउड पॉइंट का टेम्परेचर पोर पॉइंट से 5 डिग्री अधिक होता है। नेक्स्ट 162। बम कैलोरीमीटर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। बम कैलोरीमीटर का इस्तेमाल फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू को मापने में होता है। कैलोरीमीटर का मतलब उष्मा मापी। नेक्स्ट 163। जंकर्स कैलोरीमीटर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल। जंकर्स कैलोरीमीटर का इस्तेमाल गैसियस फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू को मापने में होता है।
नेक्स्ट 164 द बॉइलिंग रेंज ऑफ पेट्रोल इज 30 डिग्री टू 200 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोल का बॉइलिंग रेंज 30 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट 165 जनरल फार्मूला ऑफ पैराफिन्स इज सी एन जी टू एन प्लस टू। पैराफिन्स का जनरल फार्मूला सी एन जी दो एन प्लस दो होता है। जनरल फार्मूला ऑफ नेफ्थनीज इज सी एन एच टू एन। नेफ्थनीज का जनरल फार्मूला सी एन एच दो एन होता है। नेक्स्ट 167 जनरल फार्मूला ऑफ एरोमेटिक्स इज सी एन एच टू एन माइनस सिक्स। एरोमेटिक्स का जनरल फार्मूला सी एन एच दो एन माइनस छः होता है। जनरल फार्मूला ऑफ ओलेफिन्स इज सी एन एच टू एन। ओलेफिन्स का जनरल फार्मूला या सामान्य फार्मूला सी एन एच दो एन होता है। नेक्स्ट 169 द बॉइलिंग रेंज ऑफ केरोसिन इज 200 डिग्री टू 300 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी के तेल का बॉइलिंग रेंज 200 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। नेक्स्ट 170 द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसोलीन रेंजेस फ्रॉम 0.70 टू 0.78। गैसोलीन का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.70 से 0.78 के बीच में होता है। नेक्स्ट 171 फॉर इंडियन हाई स्पीड डीजल मिनिमम सीटें नंबर इज 45। भारतीय हाई स्पीड डीजल का न्यूनतम सीटें नंबर 45 होता है। द एपीआई ग्रेविटी ऑफ लाइट डीजल ऑयल इज 22। हल्के डीजल ऑयल की एपीआई ग्रेविटी 22 होती है। एपीआई का फुल फॉर्म अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। अगला 173 द एपीआई ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इज 61। पेट्रोल की एपीआई ग्रेविटी 61 होती है। द नेक्स्ट 174 द एपीआई ऑफ हाई स्पीड डीजल इज 31। हाई स्पीड डीजल की एपीआई 31 होती है। नेक्स्ट 175 द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज जज्ड बाय वोलेटिलिटी। फ्यूल की क्वालिटी परिवर्तनशीलता या उड़नशीलता से जज की जाती है। वोलेटिलिटी का मतलब परिवर्तनशीलता या उड़नशीलता या शीघ्र वाष्पशीलता। नेक्स्ट 176 द वोलेटिलिटी ऑफ फ्यूल्स इफेक्ट्स स्पीड ऑफ इंजन। फ्यूल्स की वोलेटिलिटी इंजन के स्पीड पर इफेक्ट करती है। नेक्स्ट 177 द वेपराइजिंग टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज हायर देन डीजल फ्यूल। पेट्रोल का वेपराइजिंग टेम्परेचर डीजल फ्यूल से अधिक होता है। वेपराइजिंग मतलब भाप बनना। नेक्स्ट 178 द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ डीजल इज C11H16। डीजल का मॉलिकुलर फार्मूला C11H16 होता है। नेक्स्ट 179 हाई स्पीड डीजल इज यूज्ड इन हाई स्पीड डीजल इंजन। हाई स्पीड डीजल का इस्तेमाल हाई स्पीड डीजल इंजन में होता है। नेक्स्ट 180 द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर। फ्यूल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से नापी जाती है। हाइड्रोमीटर का मतलब आर्द्रता मापी। यह नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में पूछा गया है। द एपीआई ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 10। पानी की एपीआई ग्रेविटी 10 होती है। लाइटर फ्यूल्स हैव हाई एपीआई ग्रेविटी। हल्के फ्यूल अधिक एपीआई ग्रेविटी के होते हैं। इफ द वोलेटिलिटी ऑफ फ्यूल इज हाई, यहाँ हाई होगा, इट विल इग्नाइट शॉर्टली। अगर फ्यूल की वोलेटिलिटी अधिक होगी तो वह जल्दी से जल जाएगा। इग्नाइट मीन्स जलना या सुलगना। नेक्स्ट 184 अ फ्यूल हैज हायर ऑक्टेन नंबर द इग्निशन क्वालिटी ऑफ फ्यूल विल बी बेटर। अगर फ्यूल का ऑक्टेन नंबर अधिक होगा तो उसके जलने की शक्ति भी अधिक होगी। नेक्स्ट 185 डेटोनेशन रेफर्स टू द इंजन नॉकिंग।
डिटोनेशन का मतलब होता है इंजन में अप्रिय आवाज़ आना। द डिटोनेशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कम्बसन, फ्यूल का डिटोनेशन कम्बसन के दौरान होता है। नेक्स्ट 187, डिस्टिलेशन टेस्ट मेजर द कैलोरीफिक वैल्यू, आसवन टेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू को मापता है। नेक्स्ट 188, द वोलेटिलिटी क्वालिटी ऑफ फ्यूल इंडिकेट्स वेपराइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल का वोलेटिलिटी क्वालिटी फ्यूल के वेपराइजिंग एबिलिटी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट 190, द स्पेसिफिक हीट ऑफ पेट्रोल नियरली 2.1 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल का विशिष्ट ताप 2.1 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट 191, द स्पेसिफिक हीट ऑफ डीजल इज 1.9 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, डीजल का विशिष्ट ताप 1.9 किलो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट 192, द इफेक्ट ऑफ डेटोनेशन ऑन इंजन इज लॉस ऑफ पावर पुअर कंबसन ओवर हीटिंग, डेटोनेशन होने के कारण इंजन में पावर का लॉस होता है, कंबसन भी बहुत पुअर होता है और इंजन ओवर हीट करता है। नेक्स्ट 193, वेपर लॉक इज एसोसिएटेड विथ फ्यूल सप्लाई सिस्टम, वेपर लॉक का संबंध फ्यूल सप्लाई सिस्टम से होता है। नेक्स्ट 194, द वर्क ऑफ चोक इज टू सप्लाई ऑफ रिच मिक्सचर, चोक का काम रिच मिक्सचर के सप्लाई को करना होता है। अ पंप विच सप्लाई द फ्यूल टू डिफरेंट सिलेंडर ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन इज फ्यूल इंजेक्शन पंप, वह पंप जो विभिन्न सिलेंडर को फ्यूल की सप्लाई करता है मल्टी सिलेंडर में, उसे फ्यूल इंजेक्शन पंप कहते हैं। नेक्स्ट 196, एयर इंजेक्शन पंप्स आर मोस्टली यूज्ड इन हैवी ड्यूटी स्टेशनरी इंजन, एयर इंजेक्शन पंप का इस्तेमाल भारी भरकम स्थिर इंजनों में होता है। नेक्स्ट 197, द पाइपलाइन यूज्ड टू सप्लाई द फ्यूल टू द इंजेक्टर इज हाई प्रेशर लाइन, वह पाइपलाइन जो फ्यूल को इंजेक्टर में सप्लाई करती है उसे हाई प्रेशर लाइन कहते हैं। नेक्स्ट 198, इन डीजल इंजन्स फ्यूल इंजेक्टेड इन द सिलेंडर थ्रू फ्यूल इंजेक्टर, डीजल इंजन में फ्यूल सिलेंडर में फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा डाला जाता है। नेक्स्ट 199, इन ऑटोसाइकिल इंजन्स एयर फ्यूल मिक्सचर कम्स इन सिलेंडर थ्रू कार्बोरेटर, ऑटोसाइकिल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में कार्बोरेटर के द्वारा आता है। नेक्स्ट 200, और आजकल लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बटरफ्लाई वॉल्व ऑफ कार्बोरेटर दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर, कार्बोरेटर का फर्स्ट बटरफ्लाई वॉल्व का काम एयर फ्यूल मिक्सचर के फ्लो को कंट्रोल करना होता है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि 500 प्लस वन लाइनर ऑफ फार्म पावर का पार्ट 4 आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। एग्रीकल्चर की वैकेंसी, एडमिशन और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे ज़रूर से लाइक करें। धन्यवाद।